बंदे कपड़े फटे हुए हैं, मारा चलते। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कार से हम आज जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, वही स्प्लेंडर पे तरीके से भाई इसका फोन आया था, मैं वजह सो रहा था कहीं चल रहा है वृंदावन जन्माष्टमी तो ही आज, और सबसे पहली बार जन्माष्टमी के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। चलो वृंदावन की झलकियाँ दिखाते हैं आपको, फिलहाल हम थोड़ी चौक आए थे। चलो चलो अब छोले कुलचे खा ले क्योंकि आगे जेवर तक कुछ नहीं मिलेगा। पानी वानी की बोतल ले ले यहाँ से, यहाँ टपरी सी लग रही है पीछे। और देखो बाइक के यहाँ की खड़िया दिखाते हैं आपको, देख रहे हो बाइक को। चलो भैया ये हमारे छोले कुलचे बन गए भाई। तो छोले कुलचे खा के सेट हो चुके हैं सारे भाई, गमछा पहन के अपने आप मुंह पे गमछा लपेट लें और चलाएं, चलते हैं। अब जेवर रुकेंगे भाई, नेक्स्ट स्टॉप मिलेगा जेवर पे, जेवर पे खिलाएंगे जेवर। चलो भाई भाई देव कैसे कैसे आदमी है, क्या बाथरूम बना हुआ है। हम शिवा ढाबा पहुंच चुके हैं और बंदा यही मूत रहा है। इस भाई के लिए चार गाली जरूर बकें जो भी वीडियो देख रहे हैं। देखो भाई भैया बाल बाल तब बहुत बुरे हो गए हमारे, तो मैं तो स्मार्ट लगता ही यार। बुरे तो तुम हो भैया। शिवा ढाबा जेवर पहुंच गए या हाईवे पे भैया, बाइक का भी टोल है बता दियो। पहली बार देखा हमने टोल बाइक का भी। और बाइक में कोई फर्क नहीं है। अरे किसान कार्ड भी दिखाते हैं ना तो भी हो सके काम। हमें यार बाइक पे कभी टोल लगाई ना, तो पहले हमारे तो बोला ही ना कुछ। बाइक के हमारे कौन मैसेज करवाया किसान यूनियन। सो गाइस अब हम लोग तो कहाँ है भाई पता नहीं भाई, तुम्हें पता रास्ते तो हमें नहीं पता। तो अब हम लोग आए हैं भाई मथुरा टोल पार करके, ये कैफे टाइप का है, उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं भाई। गर्मी बहुत हो रही है, एसी के बहाने बैठे हुए हैं, बैठना तो हमने खाना पीना तो कुछ था नहीं, यहाँ एसी देखा तो हमने यार कोल्ड ड्रिंक ले ले, नहीं होने लगना चाहिए कि फ्री में बैठ गए आगे भाई। वैसे ही तुम तो यही फ्री के चंदन, तुम भाई यही फ्री के चंदन भाई। तो फ्री के चंदन था भाई, भाई बाइक लाया भाई, तेल डलवा रहा भाई, टोल दे रहा है भाई, गिला भी रहा है, तो ऐसा कौन नहीं आना चाहेगा। मनीष भाई का मैं आपको नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस भाई को घूमना हो मनीष भाई के साथ आ सकते हैं। आगरा मथुरा हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह भाई फ्री में ले आते हैं, फ्री में खिलाते हैं, फ्री में ही पिलाते हैं और बंदों का ब्लॉग भी बनवाते हैं। तो जी अब इस टाइम जिसे फ़ोन में ब्लॉग बनना है ना, वो फ़ोन भी इनका ही है क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन है, समझ रहे हो सिस्टम। मनीष भाई का बहुत प्यारा है भाई, समझ चुके हैं। तो जिला मथुरा ही है ना, वृंदावन की तरफ चल रहे हैं। ये रहे हमारे मनीष भाई। चलो भाई आए की जगह भी दिखाते हैं तुम्हें, कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे। चलो भाई ये खड़ी हमारी स्प्लेंडर, देखिए अब हम लोग वृंदावन पहुँच चुके हैं, भीड़ भड़क कर दिखे हैं अंकल। अंकल अभी उम्र बहुत है तुम्हारी, ऊपर काय को जा रहे हो। देखो भाई बंदर बहुत हरामी है, आगे फोन छीन के ले आते हैं, फोन रख लेता हूँ मैं। राधे राधे भैया, मिथिला कुंज अंकश तिवारी जी आ रहे हैं। सब जन्माष्टमी का आयोजन चल रहा है यहाँ पे, बाइक होनी चाहिए लेकिन ना गाड़ी ना आने नहीं देते। तो बाइक पे आप कहीं भी मथुरा की छोटी छोटी गलियों में गुजार सकते हो, अपना घूम सकते हो, थोड़े बहुत छपरी भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ, छपरी राइडर कैडे वाले।
आप लोग देख सकते हैं बहुत गर्मी हो रही है और हम बांके बिहारी मंदिर पहुंच चुके हैं। पूरा मंदिर सजा हुआ है, मंदिर क्या पूरा वृंदावन ही सजा पड़ा है भाई। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, भागवत कथाएं चल रही हैं। दिखाते हैं आपको मंदिर का लुक। इस टाइम बैठे हैं बांके बिहारी मंदिर पे। पीछे देख सकते हैं आपको। तो क्या हुआ भाई, 5:30 बजे मंदिर खुलेगा। अब दोपहर में 3 दिमाग हो रहे हैं हमारे कि 5:30 बजे मंदिर खुलेगा, यहीं बैठ जाते हैं, जैसे ही एंट्री ओपन होगी दर्शन वगैरह कर लेंगे। एक दिमाग ये हो रहा है कि निधिवन घूम आए, और वरना पागल बाबा का मंदिर भी दोपहर में खुलता है पूरी दोपहर ही। तो 2-3 ऑप्शन है, देखते हैं जो भी करेंगे आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल तो यहीं बैठे हुए हैं, हालत बुरी हो रही है गर्मी के मारे। गर्मी बहुत है भाई, मथुरा बहुत, दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है भाई। दिल्ली में क्या है, गर्मी थोड़ी सी कम लगती है, तो हमारे घर हैं वैसे कम लगती हो, पर यहाँ मथुरा में ज़्यादा ही लग रही है। या तो रिफाइनरी वगैरह से यहाँ गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, पता लगे क्या है क्या। भैया आप लोग भीड़ देख सकते हैं कहाँ तक है, देखिए जन्माष्टमी है। तो अब हम लोग का प्लान बनाए कि हम निधिवन चल रहे हैं। 2.5 घंटा है भाई, अभी 3 बज रहे हैं, 5:30 बजे पट खुलेंगे और निधिवन की तरफ चलते हैं। भैया आप लग रहे हैं ना वृंदावन आए मुझे। राधे 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 राधे। अब हम चल रहे हैं निधिवन की तरफ, अब लग रहा है कि वृंदावन आए हूँ। फिर कुछ लगा सुना सुना था कुछ, अब हुआ वो पूरा है ना। हेलो भैया, निधिवन जा रहे थे, रस्ते में हमें कर्दम का पेड़ दिखाते हैं आपको। कर्दम का पेड़ जिसको ना पता हो, श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा के छुपा दिए थे ना, वही पेड़ है ये मेरे पीछे जो है। जमुना जी ये रही हमारे इस तरफ ही, जमुना जी है वो नहा रही थी, कृष्ण जी ने उनके कपड़े चुरा लिए, इस पेड़ पर बैठ के फिर उन्हें सताया बहुत। दिखाते हैं आपको पेड़, आप लोग सामने देख सकते हैं कर्दम का पेड़ है ये। कपड़े चोरी वाली लीला किशन जी ने यहीं दिखाई थी। भाई क्या पी रहे हो? आ गया भाई, पियो लस्सी जियो लस्सी। निधिवन की लड़ाई बता दी ना, अभी बताएंगे वो। भैया निधिवन में हो गई अभी लड़ाई दुकानदार की और पब्लिक की, और बहुत कड़ा गुस्सा बाज रहा भाई। और पुलिस वाले तो ना रुक रहा कोई, और तो पब्लिक क्या रुकवाएगी किसी। चलो अब निधिवन चलते हैं। निधिवन का भी गर्मियों में टाइमिंग है, 3:30 बजे खुलता है, 4 बजे का चलते हैं अंदर। देखो भैया सामने बंदे कपड़े फटे हुए हैं, मारा चलते हैं आगे। आ जाओ भाई, बनी जाए भाई। निधिवन में भी अभी गेट नहीं खुले,
और देखो भीड़ देखो कितनी है, देखो क्या कहें भाई। भैया आप निधि वंजी में अंदर जा रहे हैं, चलो आप लोग भी आओ, चलो अंदर, जूते जमा करा दिए हमने। दूसरा बंदर ये रहा। राधे चलो आ जाओ। काले काले सुनो भाई ये क्या ये देखे निधि वन के पेड़ हैं। चलो भैया चलो, जो ये पेड़ हैं यहीं पे ही हैं, इसके अलावा और किसी जगह पे नहीं मिलेंगे आपको। ऐसी मान्यता है कि ये जो पेड़ है ना, ये रात में गोपी बन जाते हैं और श्री कृष्ण जी अपने रूप में यहाँ होते हैं। देखिए इस सारे पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, कोई आदमी टाइम पे निधि वन में नहीं रुकता। मनीष भाई मजा आ रहा है? चलो राधे राधे। ये देखो पेड़ आपस में बिल्कुल घूमे हुए हैं, ऐसे और पेड़ कहीं पे भी। ये चलते रहो भाई चलते रहो, राधे का नाम लेते रहो। ये देखिए पेड़, आप थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, थोड़ा रिलीफ मिला है, सांस आई है हमें। गर्मी का बहुत बुरा हाल है भाई उतना। अब आपको रंग महल में लेके चलते हैं, चलिए। नाम बताओ। नाम बताओ। ये देखो भैया पेड़, ये पेड़ आपस में रिंकल्स खा रहे हैं, देखिए और है कहीं ऐसे पेड़। हाँ भाई कहते हैं सारे पेड़ गोपियां बन जाती हैं और किशन जी डेली आते हैं यहाँ पे। मैंने तो सुना नहीं भाई, हम देखे रुक जा तू, यहीं रुक जा तू, जो भी यहाँ रुका है ना वो जिंदा नहीं बचा है सुबह तक। भैया सच बात है, झूठ नहीं है, कोई यहाँ रात में रुक जाए तो आज तक जिंदा नहीं बचा है, सारे पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। शुभम भाई का मैंने रुका, आज मनीष रुकेगा यहाँ, बाइक में ले जाऊँगा तेरी बेफिक्र रहे। जय 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 जय
गाइस थोड़ी टूट गई भाई, मंदिरों में फोटो वोटो खींचना मना है, आपको पता है जैसे जैसे बना पा रहे हैं वैसे सबको दिखा रहे हैं ना भाई। गार्ड के अंदर पहले ही वीडियो बंद करके जब में रख लें हम फोन ऐप करने आ जा। तो अब हम लोग चल रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ, बांके बिहारी की गलियों में। भैया पेड़ ले जा रहे हैं प्रसाद के लिए, तेरा मंदिर का गेट, अब चलते हैं। भैया दर्शन वगैरह सब हो गए, बढ़िया, बिल्कुल मंदिर खाली पड़ा था, खाली बिल्कुल, 5:30 बजे खुला है और बिल्कुल खाली मंदिर। सजावट देखिए आपने कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है, हालांकि मेरे चेहरे काले आ रहे होंगे भाई, धूप में पूरे दिन घूम के लाल हो गया। चलो आओ भाई बेटे, रख लो बैग में। भैया मनीष की टोपी उतर गई, देखो कैसे, क्या हुआ था, बंदर आया भाई मेरे पास टोपी छीनने, मैंने झपट्टा मार लिया एकदम, वरना ले जाता टोपी, अरे भाई खिचड़ी पुर के मालक है, ऐसे थोड़ी ना टोपी ले जाता भाई। भैया अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ, आप लोग भी चले, जन्माष्टमी का पूरा चीज दिखाएंगे, भीड़ देखे पीछे कितनी बेहतरीन भीड़ है, मज़ा ही आ रहा है। देखिए भैया जन्माष्टमी वाले दिन कितनी भीड़ है, अभी जब हमें थे कुछ भी भीड़ नहीं थी, अब भीड़ देखो नजारे। शाम हो गई है, जन्माष्टमी है, ब्रजभूमि में घूम रहे हो आप तो जान तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत। अब चल रहे प्रेम मंदिर की तरफ हम, ब्रजभूमि के मजे लीजिए आप लोग, देखिए इस चीज का भी अलग ही मजा है यार, इस टाइम पे आओगे ना तो अलग ही मजा आता है, त्योहारों पे, होली पे, दिवाली पे, जन्माष्टमी सबसे बड़ा त्यौहार, किशन जी का जन्मदिन है आज तो भैया, भीड़ होनी वाजिब है। ये देखिए बांके बिहारी जी की एंट्री है, एग्जिट है सॉरी। भैया आप भीड़ देख सकते हैं सामने कितनी भीड़ है जन्माष्टमी के दिन, और प्रेम मंदिर हो रहा सामने, चोटी दिख रही है ना, दिखाता हूँ आपको, और लाइन यहीं से चल रही है, देखो ये लाइन यहाँ थोड़ा सा आगे, लाइन ही लाइन है भैया, इसलिए हम प्रेम मंदिर कर रहे हैं ड्रॉप, जाना बाहर से ही हाथ जोड़ लिए, 10-15 बार आ चुका हूँ प्रेम मंदिर, मेन हमारा जो टारगेट था ना मेन होता है बांके बिहारी जी के दर्शन करना, वो हमारा पूरा हो गया आज का, अब चलते हैं घर की तरफ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।